उज्जैन जिले के नागदा में विक्रम प्रसाद शिक्षक समिति द्वारा 3 वर्ष पूर्व सरस्वती विद्यालय का निर्माण किया गया, जिसका विरोध करते हुए रहवासियों ने सेशन कोर्ट में मामला दर्ज करवाया, जहां सेशन कोर्ट ने इस जमीन को अवैध घोषित कर दिया है व हाउसिंग बोर्ड की जमीन को खाली करने के आदेश दिए हैं। यह बात वहाँ की रहने वाली सुशीला राजपाल ने मीडिया के सामने बताई है। नागदा से संजय शर्मा की रिपोर्ट। आम इंसान की जीत हुई और हमने इसमें लड़ाई लड़ी थी, तो हमने ने लड़ाई लड़ी थी इसमें, और आम इंसान ने मेरे पे विश्वास करा था और हमने ने लड़ाई लड़ी है और हमने कोर्ट गए थे और हमने लड़ाई लड़ी और आम इंसान की जीत हुई है और हमारी जीत हुई, सत्य की विजय होती है। कितने महीने से इस लड़ाई को लड़ाई आपने, कितने महीने से चल रहा था ये आपका केस? ये हमारा कम से कम 3 साल हो गए थे। हमने बहुत ज़्यादा हमारे को चमकाया भी सही, हमारे घर पे हमारे हस्बैंड को सबको मतलब ड्यूटी भी सही और हम बंद कर देंगे, हमारे को बहुत सारी धमकियाँ दी थी इन्होंने, सरस्वती स्कूल वाले ने बहुत ज़्यादा अत्याचार करा था हमारे साथ। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।